हेलो माय लवली लवली किड्स, हाउ आर यू? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन. आई एम जिग्ना मेहता फ्रॉम अक्सर स्कूल. टुडे वी विल लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके, वापस हम इंग्लिश सब्जेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने लास्ट डब्ल्यू किया था. कैपिटल डब्ल्यू सेज व और स्मॉल डब्ल्यू सेज व. आज हमें वापस फिर से किस में करना है? नोटबुक में करना है. आपको अब सही सही अच्छे से आ गया है डब्ल्यू से इज वह. ओके, और अभी डेट भी लिखना आ गया है ना? तो आप ये डेट लिख लोगे ना, कौन सी डेट है? 2/8/28, मंथ 8 एंड ईयर 20 एंड डे फ्राइडे, FRIDAY. यहाँ हम कैपिटल डब्ल्यू से इज वह. मम्मी लिख के देगी या आपको आता है तो आपको लिखना है. और क्लास वर्क, एक पेज क्लास वर्क करना है और एक पेज होमवर्क करना है. वैसे ही ये यहाँ हमें स्मॉल डब्ल्यू सेज वर्क करना है और एक पेज क्लास वर्क करना है और एक पेज होमवर्क करना है और डेट भी लिखनी है. ओके, आज की ही डेट लिखनी. अब आपको आगे क्या करना है? दूसरे पेज में आपको मम्मी लिख के देगी कौन कौन से लेटर जितने भी हमने कर लिए. वो लेटर कैपिटल एल सेज ल, स्मॉल एल सेज ल, कैपिटल आई सेज ई, स्मॉल आई सेज ई, कैपिटल एफ सेज प, स्मॉल एफ सेज प, कैपिटल ई सेज ए, स्मॉल ई सेज ए, टी सेज ट, स्मॉल टी सेज ट, वी सेज व, स्मॉल वी सेज व, और कैपिटल एच सेज अ, स्मॉल एच सेज अ, कैपिटल ए सेज अ, स्मॉल ए सेज अ, एन सेज न, स्मॉल एन सेज न, और एम सेज म और स्मॉल एम सेज म. वो सब आपको मम्मी एक लाइन में प्रिपेयर करके देगी. आपको यहाँ अपने आप लिखना है. वो मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया था. अभी आपको ये रिवीजन ही करना है. और यहाँ जब भी आप लिखो, आज फ्राइडे है तो आप फ्राइडे को लिखो तो फ्राइडे की डेट और डे लिखना है. सैटरडे को लिखो तो सैटरडे कौन सी डेट होगी? 29 होगी तो 29/8 वैसे लिखना है. और संडे को लिखो तो कि कौन सी डेट होगी? 30 होगी. ओके, तो जो भी जब भी आप लिखो तो उसकी डेट यहाँ मेंशन करनी है. ओके, चलो अभी हम करेंगे कैपिटल डब्ल्यू सेज व. वो आपको आता है फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ एक लिखा है, उसके बाद यहाँ रेड लाइन टू ब्लू लाइन कैपिटल डब्ल्यू सेज व. रेड टू ब्लू स्लांट लाइन, ब्लू टू रेड स्लांट लाइन एंड रेड टू ब्लू स्लांट लाइन और ब्लू टू रेड स्लांट लाइन. ओके, ये बहुत बड़ा हो गया है. देखो बहुत बड़ा लग रहा है तो आपको थोड़ा छोटा करना है. बॉक्स के अंदर इतना छोटा करना है, इतना बड़ा नहीं करना है ना? कैसे करना है? ऐसे डब्ल्यू सेज व, कैपिटल डब्ल्यू सेज व. आप इतना कर लो, बाद में ही पेंसिल अप करनी है. कैपिटल डब्ल्यू सेज व, कैपिटल डब्ल्यू सेज व, कैपिटल डब्ल्यू सेज व. ओके, कैपिटल डब्ल्यू सेज व. क्या बोलोगे आप? क्या स्पीक करके लिखना है? कैपिटल डब्ल्यू सेज व, स्पीक एंड राइट. ओके, बोले बिना नहीं लिखना है. और साउंड तो बोलना ही है, कंपलसरी है. साउंड के बिना आपको लिखना भी नहीं है और बोलना भी, ऐसे बोलना भी नहीं है कि डब्ल्यू डब्ल्यू, ऐसे नहीं बोलना है. डब्ल्यू सेज व, क्या बोलोगे आप? कैपिटल डब्ल्यू सेज व, कैपिटल डब्ल्यू सेज व, क्या बोलोगे? कैपिटल डब्ल्यू सेज व. ओके, ऐसे आपको बोलते बोलते सही सही अच्छे से लिखना है. एक बड़ा ऐसे, एक बड़ा किया और एक ऐसे छोटा किया, ये भी नहीं चलेगा. ओके, देखो ऐसे आपका गलत हो जाए तो आपको क्या करना है? पहले इरेज कर देना है. आप इरेज करो और वापस लिखो वहाँ पर. ओके, अच्छे से आपको वापस लिखना है. गलत कभी भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से सही सही लिखना है. ओके, कैपिटल डब्ल्यू सेज व, क्या लिखना है? कैपिटल डब्ल्यू सेज व, कैपिटल
कैपिटल डब्ल्यू सेज व। स्पीक एंड राइट बच्चा, मैं आपको देख रही हूँ यहाँ से, आप बोल रहे हो कि नहीं। ओके, आपको अच्छे से होमवर्क करना है, आप करते ही हो मुझे पता है। मैं आपका होमवर्क चेक करके हैप्पी फेस भी देती हूँ, है ना, वेरी गुड भी देती हूँ। ये मैंने क्या लिखा, कैपिटल डब्ल्यू सेज व। वैसे ही आपको पूरे पेज में क्लास वर्क और एक पूरे पेज में होमवर्क करना है, और पूरा पेज करना है। पर कैसे, एक लाइन ये वाली कंप्लीट हो जाए, बाद में दूसरी, बाद में तीसरी, वैसे ही कंप्लीट करना है। ओके, अभी आप करोगे स्मॉल डब्ल्यू सेज व। क्या करोगे स्मॉल डब्ल्यू सेज व में कहाँ से कहाँ करना है आपको पता ही है। स्मॉल डब्ल्यू सेज व में ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन स्लांट लाइन, ब्लू टू ब्लू अप स्लांट लाइन, ब्लू टू ब्लू डाउन स्लांट लाइन एंड ब्लू टू ब्लू अप जाके यहाँ कंप्लीट करना है स्मॉल डब्ल्यू सेज व। अभी थोड़ा बाहर गया है तो मैं क्या करूँगी, इरेज कर दूंगी ऊपर से, और ये अभी मेरा हो गया सही सही है क्या। ओके बेटा, चलो अभी हम करेंगे वापस स्मॉल डब्ल्यू सेज व, स्मॉल डब्ल्यू सेज व, स्मॉल डब्ल्यू सेज व, स्मॉल डब्ल्यू सेज व, स्मॉल डब्ल्यू सेज व। क्या मैं स्पीक कर रही हूँ, स्मॉल डब्ल्यू सेज व। आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ब्लू टू ब्लू स्लांट डाउन, ब्लू टू ब्लू अप डाउन स्लांट एंड ब्लू टू ब्लू डाउन स्लांट एंड ब्लू टू ब्लू अप स्लांट। ओके, ये मैंने किया स्मॉल डब्ल्यू सेज व। कहाँ से कहाँ, ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन स्मॉल डब्ल्यू सेज व, स्मॉल डब्ल्यू सेज व। आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल में बड़ा होता है रेड लाइन टू ब्लू लाइन, और ये स्मॉल डब्ल्यू ये वैसा ही होता है कैपिटल जैसा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन स्मॉल डब्ल्यू सेज व, स्मॉल डब्ल्यू सेज व। मैंने टेक्स्ट बुक में भी बोला था कि डब्ल्यू उल्टा एम बना दो तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू सेज व। क्या बोलते हैं साउंड में व, क्या बोलते हैं व, हम बोले थे वॉच, है ना, वो स्मॉल डब्ल्यू सेज व, विंडो वॉच, है ना। तो आपको स्मॉल डब्ल्यू सेज व बोलते बोलते एक पेज स्मॉल डब्ल्यू का भी क्लास वर्क और एक पेज होमवर्क करना है। ओके, वैसे आपको ये कितने पेज कंप्लीट करने हैं, इसके दो पेज हो जाएंगे, इसके दो पेज, आज इतना ही, वो फ्राइडे तो उतना ही करना, बाद में आपको सैटरडे को ये वाला करना है। ओके, रिवीजन करना है, सभी लेटर्स आपको रिवाइज करने। ओके, आप अच्छे से करोगे, गुड बॉय गुड गर्ल है, हैव अ नाइस डे बच्चा, बाय बाय।